राहत देने वाला बजट। देश के बहुत बड़े वर्ग को, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सभी वर्ग को मैं मानता हूं इस बजट से प्रधानमंत्री जी से जो अपेक्षा थी वो अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट रहा है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि जो किसान के पास है वो देश के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। 2,000 की 3 किस्तों में ये 6,000 रुपया हर किसान के पास पहुंचेगा और इसके कारण सरकार करीब करीब 75,000 करोड़ रुपये का बोझ सहन कर किसान भाइयों के मदद के लिए खड़ी रहेगी। मैं मानता हूं कि ये कदम किसान की आय दोगुना करने में बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि जो किसान बैंक से ऋण नहीं लेते हैं उनको भी ये फायदा होने वाला है। बैंक के कर्ज की माफी सिर्फ एक बार होती है, बैंक के कर्ज माफ करने से उन्हीं किसानों को फायदा होता है जो ऋण लेते हैं। देश के करोड़ों किसान ऐसे हैं जो ऋण नहीं लेते, करीब करीब 50% किसान ऐसे हैं जो ऋण नहीं लेते हैं, उनको तक भी ये फायदा पहुंचेगा और ये फायदा हर साल पहुंचेगा। ये योजना है, जैसे मनरेगा हर साल होती है इसी तरह से ये योजना हर साल रहेगी। तो मैं मानता हूं एक लंबे समय के लिए किसानों को सहायता देने की ये योजना देश के हर गरीब किसान के लिए, छोटे किसान के लिए, बहुत उनको इनपुट्स के लिए, किसान को खेती की शुरुआत करने के लिए बहुत मदद रूप होगी। इसके साथ कामधेनु संवर्धन आयोग बनाकर प्रधानमंत्री जी ने गऊ संवर्धन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारे संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों में गऊ संवर्धन और गऊ संरक्षण दोनों प्रमुख रूप से उल्लेखित किए गए हैं। गायों की नस्ल को सुरक्षित करना, उसको बढ़ावा देना, गौशालाओं का निर्माण करना, अनेक विध गौ संवर्धन के उद्देश्यों को एक कामधेनु संवर्धन आयोग पूर्ण करने में सहायता करेगा। और हमारी सनातन संस्कृति में चाहे पूज्य बापू हो या विनोबा भावे, सबने गाय के महत्व को हमारे समाज जीवन में, हमारे अर्थ जीवन में स्वीकारा है और प्रधानमंत्री जी ने कामधेनु संवर्धन आयोग से इसको बल देने का काम किया है। किसान क्रेडिट कार्ड में समय पर भुगतान करने पर कुल 2 और 3 ऐसे 5% की रियायत देकर एक बहुत बड़ी और राहत समय पर भुगतान करने वाले किसानों को दी है। मैं मानता हूं यह बहुत बड़ी बात है। देश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करने वाले मछुआरा समुदाय के लिए भी मत्स्य पालन विभाग को अलग से बनाकर एक नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है और देश के करोड़ों मछुआराओं के कल्याण के लिए ये मत्स्य पालन विभाग अब सीधी कामगिरी करेगा। इससे मछुआरों का कल्याण करने में सहायता होगी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना देश के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा गरीब श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये का पेंशन, जिसमें उनके जितना ही कंट्रीब्यूशन भारत सरकार करेगी, ये बहुत बड़ी रियायत देने वाला है। छोटा सा ठेला चलाने वाला, पग रिक्शा चलाने वाला, छोटे छोटे काम करने वाले, खुदरा मजदूरी करने वाले सभी श्रमिकों की वृद्धावस्था में ये 3 रुपया उनकी वृद्धावस्था को पार करने में बहुत सहायता करेगा।
संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी बोनस और बोनस मिलने की पात्रता दोनों को बढ़ाकर एक बड़ी राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। घुमंतू समुदाय के लिए भी एक आयोग बनाकर घुमंती जातियों के कल्याण के लिए अब सीधा काम करने का एक जरिया भारत सरकार ने इस बजट में शुरू किया है। मैं मानता हूं कि घुमंतू जातियों के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। 1,00,000 गांवों को डिजिटल करने का जो फैसला लिया है उससे गांवों के अंदर रोजगारी भी बढ़ेगी, गांव और शहर का अंतर भी कम होगा, गांव की शिक्षा में भी सुधार होगा, गांव के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और गांवों को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में ये गांवों को डिजिटल करने का जो फैसला लिया गया है मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा फैसला है और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को पार्टी की ओर से बधाई देते हैं। मित्रों, भारत की आजाद होने के बाद रक्षा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है, सबसे बड़ी राशि इस बजट के अंदर प्रोवाइड की गई। प्रधानमंत्री जी ने यह कर देश की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का जो कमिटमेंट है उसको प्रदर्शित करने का काम किया है। मैं मानता हूं कि पहले वन रैंक वन पेंशन और ये रिकॉर्ड राशि बजट के अंदर जो प्रोवाइड करी है इसके माध्यम से देश की रक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए पहले दिन से सरकार कटिबद्ध, रेल के नक्शे पर पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लाए हैं, एयरपोर्ट के नक्शे पर, हवाई नागरिक उड्डयन के नक्शे पर नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को लाने के बाद नॉर्थ ईस्ट के विकास के बजट में 21% की वृद्धि ये आज तक की सबसे बड़ी बजटरी वृद्धि है। मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के प्रति कमिटमेंट को भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बार फिर से प्रस्तापित कर सत्यापित किया है। उज्ज्वला योजना ने अब तक 6 करोड़ गरीब महिलाओं को, उनकी रसोई को, उनके घर को धुएं से मुक्त करने में एक बहुत बड़ी राहत दी है और ये योजना को आगे बढ़ाकर 8 करोड़ तक का लक्ष्य रखकर देश के करीब करीब 80% से ज्यादा घरों के अंदर गैस का चूल्हा पहुंचाने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी सरकार ने रखा है। मैं मानता हूं देश की गरीब महिलाओं के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। देश के मध्यम वर्ग के लिए ढेर सारी रियायत इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री जी लेकर आए। सबसे पहले 2,50,000 तक की आयकर की सीमा को सीधा डबल कर 5,00,000 तक की सभी आय को आयकर से मुक्त करने का काम कर देश के मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है और मैं मानता हूं मध्यम वर्ग जो प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करता था उससे कुछ ज्यादा ही